हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है चंदन बिष्ट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एनसी मोटो व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं फिर से हिमाचल, जो कि एक वन डे ट्रिप होने वाला है। हम सुबह जाएंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। और अभी यह जगह, मतलब जो जगह है वो फाइनल नहीं हो रखी है। दो तीन जगह है हिमाचल में नज़दीकी है जो चंडीगढ़ से, हम वहाँ उन दोनों में से एक दो जगह एक जगह जाएंगे। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जगह बहुत ही अच्छी है जो कि बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। तो मिलते हैं सीधा राइड पे। अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 26। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है गोल्फ कोर्स और राइट हैंड साइड में सेंट जोसेफ स्कूल है एक, और आगे से मुझे अब लेना है राइट। मौसम ठंडा बहुत है आज। आज पूरा रूट दिखाऊंगा मैं आपको, हम कहाँ कहाँ से जाएंगे और हमें कितना टाइम लगता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक जंगल देख रहे हो ना, जंगल के साइड साथ ही गोल्फ कोर्स है। दोस्तों, एक मेरे आगे जा रही है मेरी ड्रीम बाइक BMW 1250, जो कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर के पास भी है। जैसे मेरे फेवरेट एक यूट्यूबर है जाट प्रभजोत, उनके पास भी ये बाइक है। देखिए कितनी सुंदर बाइक है ये। आगे हार्ले डेविडसन जा रही है, क्या सुंदर बाइक है। अभी हम पहुंच चुके हैं पंचकुला, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और देन स्ट्रेट, फिर आगे एंड में जहाँ पे रोड ख़त्म होता है ना, वहाँ पे एक टी पॉइंट आएगा, वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे जो कालका शिमला हाईवे है। अभी हम पहुँच चुके हैं अब कालका शिमला हाईवे पे। अब यहाँ पे बाइक हम बनाएंगे 80-90 की स्पीड तक, क्योंकि फोर लेन नहीं है, आराम से जाएगी बाइक। अभी हम पहुंच चुके हैं पिंजौर के ये टोल प्लाजा पे। इस साइड बहुत धुंध पड़ी हुई है, चंडीगढ़ में आज धूप निकली थी, इस साइड अब हल्की हल्की धुंध दिखनी शुरू हो गई है। पता नहीं आगे मौसम कैसा होगा। अब यहाँ से हम हिमाचल में एंटर करने वाले हैं। बड़ा खूबसूरत सा एक बड़ा एंट्री गेट मार रखा है उन्होंने, एक यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, सोलन 42 किलोमीटर और शिमला 89 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे हल्की हल्की धुंध पड़ी है पर रोड बढ़िया है जो भी है। यहाँ भयंकर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, पूरा पहाड़ का पहाड़ नीचे आ रखा है। और हम अभी पहुँचने वाले हैं धर्मपुर। धर्मपुर यहाँ से मुश्किल से रह गया है 2 किलोमीटर दूर। हम जब लोग फर्स्ट ब्रेक लेंगे ना तो सोलन के आसपास कहीं लेंगे, बाइक को थोड़ी रेस्ट मिल जाएगी। कंटिन्यू 1 घंटे से बाइक चला रहे हैं, तो हम भी अपनी कमर सीधी कर लेंगे। अब आप ये पूरा धर्मपुर है इस एरिया, और यहाँ लेफ्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कसौली लिखा है ना, यहाँ से यू टर्न जाता है कसौली को, इस चौक से लेफ्ट में ये रास्ता, ये रहा। यहाँ से मुश्किल से 9 किलोमीटर पड़ता है कसौली। ये धर्मपुर की पूरी मार्केट है ये। देखिए दोस्तों, यहाँ कितना सुंदर सुंदर चीड़ के पेड़ हैं, यहाँ के व्यू इन्जॉय कीजिए। और यहाँ पर एक फेमस ढाबा टाइप का कुछ है यहाँ पे, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे हम हमेशा हम रुकते हैं और यहाँ लंच करते हैं। यहाँ पे मिलता है चिकन चावल, मीट चावल, कढ़ी चावल, यहाँ का फेमस है मीट चावल जो 180 रुपये प्लेट है, जो हम यहाँ से पैक कराएंगे। कभी आना तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना, यहाँ मीट चावल मिलता है 180 रुपये में, जिसमें 5 पीस होते हैं,
मटन के और चावल होते हैं। पाल आप रिपीट दोबारा ले सकते हो। चलो देखते हैं फिर। यहाँ हमारा बन रहा है चिकन, बन रहा है मटन, बन रहा है ये तो मटन है, मेरा हमारा मटन बन रहा है। ये रही लोकेशन जो जंगल के बीच में है, यहाँ बैठ के खा सकते हो आप। ये रंग कलर खा सकते, बस सीधा हाईवे के साथ ही है ये। आप जैसे धर्मपुर से एक आध किलोमीटर ऊपर आओगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। ये हाईवे है, यहाँ मेरी बाइक खड़ी है। ये हाईवे के साथ ही आपको मिलेगा ये शॉप। आपने ये खाना पैक करना है? पैक करना हमारा कितना करना? ये हमारा मटन हो चुका रेडी। ये जो 180 रुपये प्लेट है इसमें एक एक प्लेट में 5 पीस होते हैं मटन के। ये पूरा रेडी हो चुका है। इसमें चावल, ये मटन, ये मेरे पैर में छोटी सी बिल्ली का बच्चा है। अभी हम निकल चुके थे धर्मपुर से आगे, वहाँ से हमने खाना खुना का पैक कराया और हम निकल चुके सोलन की साइड को। तब तक आप यहाँ के ब्यूटीफुल पहाड़ों को एंजॉय कीजिए। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सोलन। ये रहा सोलन का मेन बाज़ार। यहाँ के लोकल बसें, बस स्टैंड भी है यहाँ मेरे राइट हैंड साइड में। देखिए ये सोलन का बस स्टैंड है। ये रेलवे फाटक जो टॉय ट्रेन का है, ये रहा। इसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक यहाँ जाम रहता है हमेशा। ये फ्लाईओवर बन रहा है, पता नहीं काफ़ी सालों से बनी रहा है क्योंकि मुझे 4-5 साल से तो कंटिन्यू मैं भी आ ही रहा हूँ यहाँ पे, तब से बनी रहा है ये, कभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं कंडा घाट और अब हमको मुड़ना है यहाँ से राइट, इधर को मुड़ना पड़ेगा। उससे पहले हमें कुछ सामान लेना है, पहले हम कंडा घाट से सामान ले लेते हैं फिर बाद में वापस आएंगे हम। सीधा रोड जाएगा शिमला। हमको एक ना फ्राई पैन चाहिए खाना बनाने के लिए, तो यहाँ ढूंढते हैं पहले। और यहाँ से अपन लेफ्ट मोड़ना है नीचे को। छोड़ रहा है हम नीचे से ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। चलो हमें ऊपर तो मिलने है। अब यहाँ से वो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 10 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस जगह जहाँ हम आना चाहते थे। तो आप जगह देख के बताना कि जगह कौन सी है, इस जगह का नाम बताना कमेंट करके, जिन जिनको पता है ये जगह कौन सी है। और इस जगह का नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन सी जगह है ये, और आप यहाँ पे आ सकते हो। बेस्ट प्लेस है ये कैंपिंग के लिए और मतलब फन करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए। यहाँ देखो अभी पूरी रोड गिली हो रखी है। मेरे राइट हैंड साइड पे एक नदी बह रही है
ये देखिए, जो चंडीगढ़ के होंगे, पंजाब के होंगे और हरियाणा के होंगे, उनको तो पता लग गया होगा ये जगह कौन सी है। जो अदर स्टेट के हैं उनको तो बताना कौन सी जगह है ये। देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ये नदी है। अभी मैं आपको पानी के अंदर जाकर भी दिखाएंगे। ये बैठने के अरेंजमेंट है यहाँ पे सारा। चलो मैं आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ, यहाँ पे बाइक लगाते हैं कहीं स्टैंड पे और फिर आपको अच्छी तरह यहाँ के व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ व्यू कैसा है। मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे हट बनी हुई है बहुत सारी, जहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हो उनको, और यहाँ खाने पीने को आपको सब कुछ हर चीज़ मिल जाएगी। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो नदी क्या था ना, जिसकी बात कर रहा था मैं, वो नदी दिखाता हूँ। ये नदी है बोरी नदी, अगर नदी के नज़दीक आते हैं आपको नदी थोड़ा नज़दीक जाके दिखाते हैं, और यहाँ आपको क्राउड दिखाता हूँ कितना है। ये देखिए मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है और वहाँ कितने आ रखे हैं लोग, देखिए और गाड़ी आई जा रही है, जैसे जैसे टाइम हो रहा है लोग आ रहे हैं। और ये रही खूबसूरत सी नदी, मतलब गर्मी में तो लोग ना यहाँ पर ना बीच में बैठ जाते हैं अपनी चेयर लगा के। ये देखिए और एक छोटा सा पुल है, उसके ऊपर चढ़ के हम देखते हैं यहाँ की व्यू। ये पुल देखिए तो मजबूत हो गए, है तो मजबूत। हिल रहा है थोड़ा, जैसे मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ इस जगह, मेरा तो फर्स्ट व्लॉग है ना, मैंने यहीं से शूट किया था व्लॉग की शुरुआत, मैंने यहीं से की थी। आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके आपको दिख जाएंगी मेरी फर्स्ट वीडियो होगी चैनल की, जिसमें मैंने यहीं से शूट किया था। देखिए यहाँ टूरिस्ट देखिए कितने आ रखे हैं, और कितनी सुंदर नदी है। तो दोस्तों अभी हम लंच करने लगे थे, जो हमने रास्ते में अपना मटन पैक करवाया था ना, तो अब हमने यहाँ पे आके हमने गर्म कराया है, तो अब हम उसे खाते हैं और देखते हैं कैसा दिखने में कैसा है। ले रहा हूँ मटन, ये मटन के पीसीस चेक कीजिए कितने सुंदर है, खाने में एकदम लजीज है। तो आज हम खाएंगे मटन और चावल है, मटन और चावल। पहाड़ों की मैगी तो आपने बहुत और खाई होगी, आज पहाड़ों में मटन टेस्ट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो आपको बता रहा हूँ मैं इस जगह की बता रहा हूँ मैं, हम जहाँ पे आ रखे हैं वो है साधुपुल। और अगर आप कभी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे ना कैंपिंग के लिए एक बड़ी अच्छी साइट है, जो मेरे बैक साइड में देख सकते हो ये साइट है। और यहाँ पे जो अभी जो कैंपिंग के लिए जो रूम किराए पर मिल रहे हैं ना, अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो अभी आपको मिलेंगे 1000 रुपये में। अगर आप आओगे जब सीज़न में तो आपको ये कम से कम 3000 रुपये में मिलेंगे। मैं आपको ये अंदर से दिखाता हूँ कैसे हैं ये रूम, क्या क्या फैसिलिटी है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाया था अंदर से। ये एक रूम है, अंदर कैंप है, इसके अंदर आप जाएंगी, ये अंदर से ऐसा दिखेगा, एक जिपर लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक वॉशरूम मिलेगा, ये वॉशरूम है ठीक है। और ये एक डबल बेड लगा हुआ है, साथ में एक सिंगल बेड है। अभी मुझे लाइट का कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे लाइट है, मतलब डबल बेड है साथ में। अगर आप कोई आपके तीसरा बंदा है तो एक उसके लिए एक सिंगल बेड भी है। ये है चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है, पर मुझे भी याद ध्यान नहीं कहाँ है, ध्यान नहीं सेंस में भी किसी और के रूम पे हो ना इस टाइम में। और अब मैं बाहर जाकर दिखाता हूँ बाहर का व्यू कैसा है, बाहर का व्यू आपको छोटा। और वहाँ पे देखिए
गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ी के पीछे जो मैंने आपको दिखाया था ना कैंप साइट, वो वहाँ पे है। अभी जो ऑक्सीजन चल रहा था 1000 रुपये, आपको 1000 रुपये में आपको एक बढ़िया सा रूम मिल जाएगा, जिसमें एक डबल बेड होगा, एक सिंगल बेड होगा, मतलब तीन बंदों के लिए बड़ा अच्छा सेटअप है वो। ये देखिए सुंदर रिवर है ना, हे गाइस। तो आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा, मतलब फुल मज़ा आया हमें आज यहाँ पे, मतलब जो कहते हैं ना लाइफ में सुकून मिलता है जो, तो हमें मतलब यहाँ पे आके मिलता है। चंडीगढ़ वाले, चंडीगढ़ में इतना है नहीं इतना, यहाँ पे मतलब पहाड़ों के बीच में आके ना नदी किनारे बैठ के बहुत सुकून मिलता है, जो आज हमें मिला। और हमने यहाँ बहुत इन्जॉय किया, और आप भी अपनी फैमिली के साथ कभी आ सकते हो यहाँ पर, यहाँ कैंपिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपना खुद का खाना बनाना चाहते हो यहाँ पर बना सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें ऐसी। चलो ठीक है फिर, ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, ओके बाय।